ये कल रात को एक बड़ी दुखित घटना घटी है सैमो गांव में, जो कि बॉर्डमसा सब डिवीज़न के अंदर आते हैं। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब 6 लोग 7 लोग रहा करते थे ये घर में, जो कि आज आप देख सकते हैं पूरे जल के राख हो चुका है। तो इसलिए हमारे अरुणाचल प्रदेश के मीडियम से सरकार से वे यही गुजारिश कर रहे कि एमएलए लेट फंड से हो, या अनटाइड फंड से हो, या डीसी अनटाइड फंड से हो, या एडीसी अनटाइड फंड से हो, या डीएमएफ फंड से हो, कहीं से भी मतलब इनको रिलीफ के मटेरियल्स दिया जाए, ताकि वे दुखी होने के कारण जो सदमे से नहीं उबर पा रहे हैं, उनको एटलीस्ट कुछ दिनों तक के लिए राहत तो मिले। तो इसलिए हमारे अरुणाचल मीडियम तो देखिए मीडियम से वे अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार इन लोगों को मदद किया जाए। तो भैया आप मुझे ये बताइए, आपका जो घर जला था हाँ, तो कब जला है, और आप लोगों को कुछ खबर मिला है कि किस प्रकार से जला है? ओ कल शाम को जला था घर, तो 5:40 टाइम को। घर तो शॉर्ट सर्किट से जला है क्या? ऐसे अच्छा तो आग वाग तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ऐसे घर में, जी, शॉर्ट सर्किट से जला जैसे हमको ऐसा लग रहा है। ओके, तो मतलब लाइक कौन सा समय में जला है आप लोग? 5:40 शाम को टाइम में ऐसा हुआ है कल को। हाँ, आप था घर में मैं घर में था। तो आप कुछ सामान बचा पाया है? नहीं, बिल्कुल कुछ सामान बचा नहीं पाया है। तो अभी करीब आपका कल शाम को जला है, तो अभी आप सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे कि आपका जो घर जला है, आपका कुछ ग्रीवेंसेस जो सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे हमारा मीडियम से? जी, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी मैं इतना दुख से तकलीफ से दिन रात मेहनत करके ये घर को जैसे तैसे 3-4 साल इतना मेहनत करके कष्ट करके बनाया हूँ मैं। अभी सब कुछ कुछ भी नहीं बचा है मेरा, अभी जो शरीर में पहना हुआ कपड़ा है सिर्फ वही बचा है मेरा, अभी कुछ नहीं। अभी ऐसे तो सुना है सरकार का तरफ से ऐसा घटना होने से, इंसिडेंट होने से सरकार का तरफ से कुछ रिलीफ देता है बोल गए, अभी क्या जाने, अभी सरकार जाने क्या अच्छा, करता है अभी। आपका ये जो घर आपने जैसे कहा कि जैसे जैसे बनाया है घर, तो कितना समय हो गया आपका ये घर बनाने में? मेरा घर बनाया हुआ अभी 4 इयर्स रनिंग हो रहा है अभी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरा घर में मैं हूँ, मेरा बीबी है और 3 बेटी और 1 बेटा है मेरा। ओके, तो अभी आपका फिलहाल रहने के लिए कुछ मतलब सनाती के तौर पे रहने के लिए कहीं कुछ जुगाड़ हो रहा है क्या आपको? ऐसे तो मेरा नहीं है, भाई का घर में अभी फिलहाल के लिए, तो भाई का घर में अभी बैठा हूँ। अभी अभी गांव समाज मिलके, अभी गांव समाज सब सब लोग आके अभी मदद कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं घर रहने के लिए अभी ऐसे टेम्परेली। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मेरा ये घर में पूरा मेरा अपना डॉक्यूमेंट्स और मेरा बीवी का, मेरा और 3 बेटी का और 1 बेटा का पूरा डॉक्यूमेंट्स, एसटी पीआरसी और ये बर्थ सर्टिफिकेट, टोटली जो डॉक्यूमेंट्स है बैंक अकाउंट टोटली सब जल के राख हो गया, कुछ अभी बचा नहीं है मेरा। अभी ये डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करके मेरा ये डॉक्यूमेंट्स को हासिल होगा, वो भी मुझे पता नहीं है अभी कैसा होगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स जो जल गया है मेरा बेटी का, मेरा परिवार का, वो डॉक्यूमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ये जल से ये बना देने से अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज आप जो सैमो में आए हैं और सर यहाँ पे जो घर जला हुआ है सर, उसको लेते हुए सर आपका तरफ से कुछ सपोर्ट मिलने वाले हैं क्या? थैंक यू। मैं आज कहीं जा रहा था तो रास्ता का बीच में सुना है कि साइमो में एक भाई का घर जल गया बोल के, इसलिए मैं इधर तुरंत आ गया हूँ। जहाँ मैं जाना था वो उसको कट छोट करके मैं इधर आया हूँ, क्योंकि समाज में जो दुख तकलीफ होता है उस समय में हम लोग एक दूसरे को मदद करना है, इसलिए मैं भी एक यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ आके देखा है तो गांव वाला लोग हर कम्युनिटी से यहाँ इकट्ठा होकर आप लोग मदद कर रहा है, इमरजेंसी घर बना के आप लोग ने जो सपोर्ट कर रहा है, इस चीज़ को देख के मैं बहुत खुशी हुआ हूँ। और मेरा तरफ से भी यहाँ के जो भी इमरजेंसी नीड्स के लिए जो देना था मैं थोड़ा एक्सटेंड किया हूँ, और मैं आप लोग को यही मेरा रिक्वेस्ट है, आजकल 2-3 दिन में यहाँ में जो जितना काम करना पड़ेगा आप लोग थोड़ा मदद किए, और मेरा तरफ से जो आने वाला दिन में जो भी
जरूरी होगा, मैं साथ में हूँ। और आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पुलिस ओसी साहब भी आया है, उन लोग का जो तरफ से जो करना है अपना कार्रवाई वो लोग करेगा। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो घर मालिक का जो मालिक को और आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स है, आप लोग भाई को भी मदद किए, जो डॉक्यूमेंट्स जितना भी लॉस हो गया उसको छोड़ के जितना भी नुकसान हुआ, ये सब चीज़ को आप लोग अच्छा से कागज़ लिख के कंसर्न अथॉरिटी को, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के एडीसी साहब को एड्रेस करके आप लोग अच्छा से उसको सबमिट किए। बाकी वो लोग अपना काम करेगा और मेरा तरफ से मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर जो भी मदद देना है मैं हूँ। थैंक यू सो मच। इतना बोल करेंगे, गांव के एक पब्लिक लीडर हैं, तो सर स्वागत करना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ चैनल में। जी जी, बहुत शुक्रिया। सर ये कल आपने हम एक कॉल किया था, तो हम लोग स्टेशन में नहीं थे, आज आने मिला है हम लोग, आज आया है हम लोग। तो आप कल इंसिडेंट में थे क्या, जब आग जला था घर में आपने, मतलब मौके वारदात में था? मौके वारदात पे तो फिलहाल वैसे सभी पब्लिक जमा हो गए थे, तो वही सुनकर मैं भी साथ ही साथ दौड़ के आया। तब तक ले हम लोग ने देखा कि घर जो जला है उसमें इतना हीट है कि आप सामने नहीं जा सकते हैं। तो अगर पब्लिक तो गांव का आदमी ढेर सारा जमा हो गया था, लेकिन जमा होने के बावजूद भी सामने कोई जा नहीं पाता है। तो उसी में बाल्टिंग आपका जो भी सुविधा हाथ में जो भी सुविधा मिला है उसी मुताबिक से घर को बुझाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन एक ट्यूबवेल है, आदमी उसमें 100,000 है, तो उसी कारण से उस आग को नहीं बुझा पाए हम लोगों ने। कोशिश तो गांव वालों की तरफ से पुरजोर कोशिश किए थे। ओके, तो ये जो आप मौके वारदात में कल थे, तो आपको क्या लगा कि किस प्रकार से आग तो मतलब लगा होगा, किस प्रकार से घर जला होगा? देखिए, हम लोग का गांव में ये इंसिडेंट ये अकेला नहीं है, इसका पहले हम लोग का अपना ट्राइबल आदमी का घर भी पहले जल चुका था। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ भोजपुरी आदमी का घर भी एक पहले जल चुका है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे मुताबिक से ये शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पूरा एक गांव के लिए एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन वही ट्रांसफार्मर इतना लोड है कि सामने वाले पड़ोसी वाले गांव में भी करंट देना पड़ता है। और हम लोग का गाँव इतना लेंथ है और पॉपुलेशन जनसंख्या इतना ज़्यादा है, तो इसी कारण से ये ट्रांसफार्मर में इतना लोड पड़ता है, कभी वोल्टेज लो होता है फिर अचानक से हाई हो जाता है। तो इसी में हमारे मुताबिक एक झटका लगने का वजह से इसी कारण से भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। कभी इतना लो होते हैं कि आप फैन नहीं चला सकते हैं, कभी इतना झटका से आता है कि आपका स्टेबलाइजर तक फ्यूज़ उड़ जाता है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने सरकार से पहले भी जानकारी दे चुके हैं। तो वैसे तो हम लोग का यहाँ पर जो लोकल विधायक है उसने हम सबको आश्वासन दिए थे कि विद इन 3 महीने के अंदर में एक ट्रांसफार्मर देने का उन्होंने वायदा किया है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लग जाए और आने वाले भविष्य में और ऐसी दुर्घटना ना हो, बल्कि मैं इसी आशा करता हूँ। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन एक रखना चाहूँगा, आप युवा नेता होने के कारण आपके गांव के मैं क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि सरकार से आप कुछ जो अभी घर जल गए हैं उससे कुछ गुजारिश या उन आपका सरकार से कुछ मांग इनके लिए, जो आपके गांव में जो अभी घटना करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का गाँव ऐसा है कि सब खेती वाले लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, सभी खेती पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में एक घर बनाने के लिए बहुत दुख तकलीफ़ करना पड़ता है, जिस जैसे तैसे करके अपना खेत में जो उगता है उसी को बेच के सामने वाले नदी से थोड़ा मोड़ा सैंड ग्रेवल लेके और अपने खेती का सामान बेच के सीमेंट वगैरह रोड वगैरह लेके जैसे तैसे, आपने देखा कि ये पीछे में जो घर जल गया है उसी तरह से बड़े कष्ट करके बनाया हुआ है, ये बनाने में बेचारा का 3-4 साल लग गया है। तो अनफॉर्चुनेटली इतना मेहनत से बनाया हुआ घर कल रात को अचानक से आग लग गया है। इसी में हम गांव सभी आदमी लोग बहुत दुखी थे, तो सब गांव आदमी मिलके एक टेम्प्रेरी उसको रहने के लिए ये सामने में बांस का घर हम लोग रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे को बहुत बहुत शुक्रिया।